नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम साबुत मसाला गोभी बनाएंगे। बहुत ही रिच सब्जी है, बहुत ही टेस्टी सब्जी है और इसे आप किसी भी स्पेशल ओकेशन पर बना सकते हैं, किसी भी मेहमान के लिए बना सकते हैं और जब भी आपको बहुत अच्छी सब्जी खाने का मन है तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए साबुत मसाला गोभी बनाना शुरू करते हैं। साबुत गोभी मसाला बनाने के लिए हम पहले गोभी को उबालकर तैयार करेंगे। ये हमने एक थोड़ा मीडियम साइज का गोभी ले लिया है, अच्छा बंधा हुआ फूल देखकर लाएंगे और बिल्कुल इस तरीके से भी देख लेंगे कि कहीं इसमें कोई कीड़े तो नहीं है। इसके बाद ऊपर से भी कहीं से काला पीला ना हो, अच्छा सा फूल गोभी लेंगे। अच्छे तरीके से धो लिया है, अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए हमने बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में हम 2-3 कप पानी डालेंगे। तीन कप पानी डाल देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं और 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक को मिक्स करेंगे और ये गोभी हम पानी में उबलने के लिए रखेंगे और गोभी को ढककर पहले 5 मिनट तक उबलने देते हैं। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। जब तक हमारा ये गोभी उबलता है तब तक हम ये टमाटर, अदरक, हरी मिर्च पीसकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 2 हरी मिर्च ली हैं, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करते हुए इन्हें जार में डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील कर धोकर ले लिया है, इसके भी बड़े टुकड़े करके जार में डाल देंगे। और ये टमाटर भी बड़े बड़े काट कर जार में डाल देंगे, इसका हेड काट कर हटा देंगे। ये हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, इन्हें अब एकदम बारीक पीस कर तैयार करेंगे। टमाटर को हमने एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लिया, प्याले में निकाल देते हैं। ये हमने 1/2 कप काजू टुकड़ा को 1 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था, तो इन्हें हम एकदम बारीक पीसेंगे। पानी साइड डाल देते हैं, काजू को हमने धोकर भिगोया था। ये काजू पेस्ट एकदम बारीक पीस कर हमने तैयार कर लिया। 5 मिनट हो गए हैं, गोभी को चेक कर लेते हैं। गोभी हमें दिख रहा है उबल गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से पलट देंगे ताकि वो नीचे की साइड भी अच्छे तरीके से पक जाए। गोभी को और हम 5 मिनट के लिए ढककर पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, गोभी को चेक करते हैं। तो गोभी को हम थोड़ा सा इस तरीके से चाकू लगाकर देखें, वैसे तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही नरम हो गया है। बिल्कुल दिख रहा है हमें एकदम चाकू लगाने से कि गोभी बहुत नरम हो गया है। गोभी उबलकर तैयार है। गोभी उबलने में 10 मिनट लग गए हैं, तो इसे हम उतार लेते हैं। जाली स्टैंड पर रख देते हैं और खोल के रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और अब हम गोभी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन गरम करेंगे और पैन में हम 3-4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तो गोभी की ग्रेवी के लिए हमने साबुत गरम मसाला लिया है। इसमें हमने 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4 लौंग ली हैं, 6-7 काली मिर्च हैं और 1 ये दालचीनी का टुकड़ा है। तो हम बाकी तो चीज़ें साबुत डालेंगे लेकिन इलायची को छील कर डालेंगे, तो इन्हें हम तोड़कर छील कर इनके दाने निकाल लेते हैं। तो ये दाने हमने छील कर निकाल लिए, ये मसाले में डाल देते हैं और छिलके हटा देंगे। तेल में हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। गैस बिल्कुल धीमी रखेंगे ताकि मसाले जले ना। और ये साबुत गरम मसाला, मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे बिल्कुल हल्का सा। और अब हम डालेंगे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा तीखी पसंद है तो थोड़ी सी और ज़्यादा मिर्च ली जा सकती हैं। मसाले को तब तक भूनेंगे
जब तक कि मसाले के ऊपर तेल तैरता हुआ ना दिखाई देने लगे। तो मसाले को हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे, गैस मीडियम कर लेंगे और इसे भुनने देते हैं। मसाले से तेल अलग हो रहा है, अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे और अब हम मसाले को फिर से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे, अच्छी खुशबू ना आने लगे। हमने ग्रेवी में काजू पीस कर डाले हैं, इसमें खसखस पीस कर डाली जा सकती है, खरबूजे के बीज पीस कर लिए जा सकते हैं या फिर सादा ग्रेवी टमाटर से थोड़ा सा बेसन डाल के बनाई जा सकती है, टमाटर प्याज की ग्रेवी बना सकते हैं। तो ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार कैसी भी बना सकते हैं। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भुनकर तैयार है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो हम ये जो गोभी उबाला है उसी पानी में से पानी ले लेते हैं, एक कप पानी डाल देते हैं इसमें। ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे साबुत गोभी के लिए, इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला है। और अब हम नमक डालेंगे, तो नमक जो हमने गोभी उबालने वाला पानी लिया है उसमें थोड़ा सा नमक है, नमक थोड़ा कम डालेंगे हम इसमें, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, मिला देंगे। और अब हम ये गोभी ग्रेवी के अंदर रख देते हैं, इसके ऊपर ग्रेवी डाल देते हैं और इसको धीमी आग पर ग्रेवी के साथ में 3-4 मिनट पकने देते हैं। हमने गोभी को पूरे 4-5 मिनट ग्रेवी के साथ में धीमी आग पर पका लिया है। ग्रेवी के मसाले हैं वो गोभी के अंदर आ गए हैं और सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो सब्जी को हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम गोभी को निकाल कर रखते हैं और अब हम ग्रेवी को गोभी के ऊपर डालेंगे। साबुत मसाला गोभी सब्जी बनकर तैयार है, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है और इसे थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डालकर गार्निश कर देते हैं। और आपने देखा सब्जी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। गोभी मसाला को सर्व करने के लिए इसको थोड़ा सा काटेंगे, प्याली में रखेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे, बहुत अच्छी सब्जी लगती है। और इतनी सब्जी परिवार के 4 से 6 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। गोभी मसाला सब्जी को चपाती, पराठे, नान या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।